नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल मोक्स में। माय वॉइस इंडिया नाम की एक एप्लीकेशन मार्केट में आज ही लॉन्च हुई है और इन्होंने बहुत सारे व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मैसेज वायरल करके रखा हुआ है कि इसको ज्वाइन कीजिए और इसके अंदर आपको हम इंस्टेंट पेमेंट देंगे, पेटीएम के अंदर डायरेक्टली। डायरेक्ट बोनस इसका ये है, रेफर बोनस इसका ये है, और इसको ज्वाइन करने के बाद में आपको पेटीएम के अंदर डायरेक्ट इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, वो भी इंस्टेंटली मिल रहा है। तो इसके अंदर ऑडियो मैसेज भी कुछ आए हुए हैं, इसकी प्रेजेंटेशन भी है, हम इसको देख लेते हैं एक बार। मेन चीज़ इसमें दोस्तों ये है कि ऐसी जो एप्लीकेशन है बहुत सारी प्ले स्टोर के ऊपर आती है, और फिलहाल तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपनी अहमदाबाद की है और कंपनी सर्वे, कुछ छोटे मोटे सर्वे जो होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए आपको पैसे पेड करती है। यहाँ पर देखिए इसकी प्रेजेंटेशन है और यहाँ पर बोला गया है कि आप डायरेक्टली इंस्टेंटली पे आउट अपने पेटीएम वॉलेट के अंदर ले सकते हैं, और जो लेवल 1 का आपका जो बोनस है वो है आपका 50%, लेवल 2 का 25 और लेवल 3 का आपका 12.5% है। और बिल्कुल आज ही लॉन्च हुआ है और 50% इसमें आपको विड्रॉल लिमिट मिलती है अपलाइन की तरफ से वो भी, और इसमें काफ़ी कुछ है। बट मैं जहाँ तक मानता हूँ और मिनिमम जो इसकी लिमिट है विड्रॉल की, वो 10 रुपये से स्टार्ट है और 3,000 तक इस पर आप लास्ट कमा सकते हो। मैक्सिमम आप 3,000 रुपये तक विड्रॉल कर सकते हो, एक दिन में एक बार विड्रॉल आप कर सकते हो। तो जब हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हमारे को जब ओपन करते हैं तो उसमें फ़ोन नंबर मांगा जाता है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने इसको अभी तक एप्लीकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है क्योंकि इसका रीज़न है एक। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, जब आपको नंबर मांगेगा मोबाइल नंबर, मैं यहाँ पर एक अपना जूठा सा नंबर डाल देता हूँ, 10 अंक का कोई भी, चलिए डाल दिया मैंने। और यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले आपको लेके जा रहे हैं अपनी गूगल लोकेशन के ऊपर। तो गूगल लोकेशन आपका एनेबल कराना वो एक गलत बात है किसी भी एप्लीकेशन का, पहली बात। तो सेकंड, अगर आपको आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, बर्थ डेट और आधार नंबर यहाँ पर मांगा गया है, तो आधार नंबर तकरीबन इंडिया के अंदर लोगों के बैंक अकाउंट के साथ में लिंक होते हैं, कोई अपना फ़ोन नंबर लिंक करके रखा हुआ है और सब कुछ, जो आजकल इंडिया के अंदर सबसे बड़ी मेन आईडी जो हो गई आधार कार्ड की हो गई है, तो आधार कार्ड के डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई है। अगर ईमेल आईडी से ही ओनली ये एक्टिव, क्योंकि इस एप्लीकेशन में ओनली सर्वे सिस्टम है, सर्वे करने के आपको पैसे दे रहे, तो सर्वे करने के पैसे देने के लिए किसी को आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी कंपनी को, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर वो एक आपका आधार कार्ड का डाटा लेने के लिए ही वो एप्लीकेशन बनी है, चाहे वो फ्री में आपको जो कुछ दे रही है, इंस्टेंट पेमेंट ही क्यों ना दे रही है। लेकिन अगर, क्योंकि आधार कार्ड की डिटेल्स आप दे देते हो तो आपका आधार कार्ड के साथ में आपका जो फ़ोन नंबर लिंक है, आपका जो बैंक अकाउंट लिंक है, अगर सपोज 1-10 लाख लोगों ने भी इंडिया से अगर इस एप्लीकेशन को सब्सक्राइब किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है, तो उसमें से 1,000 लोगों के भी अगर आधार कार्ड जो बैंक अकाउंट खाना लिंक हो गए वो हैकेबल हो सकते हैं, तो वो हैक अगर कोई कर लेगा आपके पैसे जो है वहाँ से अगर निकल जाते हैं तो फिर उसका कोई जिम्मेदार नहीं रहता है। तो आधार कार्ड की डिटेल्स जहाँ पर मांगी जाती है और आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाती है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर आपको इग्नोर करना चाहिए उस चीज़ को। तो मैंने तो इस चीज़ को नहीं किया है, आपको अगर पसंद आए तो आप कीजिए, मैं उसकी रेफर लिंक छोड़ दूंगा। वैसे मैं रेफर लिंक नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं सिर्फ उसकी डिटेल्स छोड़ूंगा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, क्योंकि मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरा मानना तो यही है कि आधार कार्ड की जहाँ पर डिटेल्स मांगी जाती है और गूगल लोकेशन भी साथ में अगर मांगी जाती है, तो वो आपका जो पर्सनल डाटा आपका चोरी करने के फिराक में है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो दोस्तों इसमें ना फंसे तो ही अच्छा है। अगर वीडियो पसंद आई है और जानकारी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।